इन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है तो उसे शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो भाई साहब ये लोगों ने अभी सारे मेरे पैसे निकलवाए कि कौन कौन से तुम देश गए हो। तो भाई ये प्रूफ कर रहे हैं कि कोई भी एज छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी भी एज में आप ट्रैवल कर सकते हो। ये भाई दाल काफी ज्यादा बन गया। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से मैं आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई इस वक्त मैं हूँ कजाकिस्तान की ट्रेन में, जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और भाई मेरा ये बेड है, ये वाला आपको मैं बेड दिखाता हूँ पहले, बट ये दादी कुछ बोलना चाहती है। दबाई गबारी बोल रही है कि सारे लोग जो भी इंडिया से देख रहे हैं उसका स्वागत है, आप कजाकिस्तान की तरफ आओ, बहुत अच्छा देश है ये। Спасибо. बोल रही है कि आपकी जर्नी काफी शुभ हो, आपका जो यात्रा है काफी शुभ हो। ये भाई साहब भी आके कुछ बोलना चाहते हैं शायद। ये दादा भी भाई, सारे भाई मेरी एकदम पूछ रहे हैं कि क्या हाल है, कैसा है इंडिया। और बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं यार, मतलब मजा आ रहा है इन सब जर्नी करने में ना। इसलिए भाई मैंने ना ये पूरा ओपन वाला इन्वायरमेंट देखिए कि लोगों से एक वार्तालाप कर सकूँ, लोगों से अपनी एक्सपीरियंस बता सकूँ। काफ़ी शानदार भाई, मजे आ रहे हैं। बाकी इस पर वीडियो में तो आपको और मजे आने वाले हैं। वेल भाई तो रात के बज रहे हैं अभी 11, ये हम सब मिल के भाई कार्ड गेम खेल रहे हैं और काफ़ी एकदम मुझे समझने में टाइम लगा एक सेकंड के लिए कि कैसे खेलते हैं, बट क्योंकि किसी को लैंग्वेज तो आती नहीं है, मैं देख देख के सीख गया भाई कि कैसे खेलते हैं। ये लोकल गेम है यहाँ का, चलो देखते हैं। ये बच्चे वगैरह खेल रहे हैं भाई यहाँ पे सब। आंटी ने मुझे बोला कि आ जाओ गेम खेलते हैं, मैंने कहा ठीक है खेलते हैं। वेल तो भाई रात के बज रहे हैं 12 और ट्रेन एक स्टॉप लिया था अभी। यहाँ पे भाई स्टॉप काफी लंबा होता है, मतलब 20 मिनट का भाई स्टॉप था यहाँ पे, थोड़ा स्टेशन फिर 20 मिनट का स्टॉप। इनफैक्ट किसी बड़े स्टेशन में भाई यहाँ पे 1 घंटे का स्टॉप रहता है, पता नहीं क्यों, आई थिंक पानी वगैरह भरते होंगे शायद हर स्टेशन पे। मैं जा रहा हूँ भाई सोने के लिए, आपसे मिलता हूँ इन द मॉर्निंग और आपको मैं इस ट्रेन की सारी जर्नी दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं सो के उठ चुका हूँ, 12 बजे सो के उठ रहा हूँ। हालांकि जो मेरे टाइम से 11 ही बज रहा है क्योंकि 1 घंटा टाइम बढ़ चुका है क्योंकि हम लोग अस्ताना की तरफ जा रहे हैं। लेकिन भाई मुझे लगा था कि ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट होगा, बट रेस्टोरेंट अभी वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इस आशा में था कि रेस्टोरेंट होगा, मैं रेस्टोरेंट में खाना पीना खाऊंगा। बट मैं सो के उठा तो पता चला कि रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है। हालांकि कल रात जो मेरी होस्ट थी कौशलपिंग होस्ट थी, उन्होंने मुझे खाना बना के दे दिया था। लेकिन भाई अभी के लिए तो मैं उठा तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ खाना है, मेरे पास नहीं, कुछ तो खाना है नहीं मेरे पास अभी। मैंने कहा ट्रेन तो अब 2-3 घंटे के बाद ही रुकेगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। तो ये हमारे लिए मेरे लिए खाना बना रही है, स्पेशली बात देखो ये भाई, उन्होंने मेरे लिए चाय बनाया, उन्होंने मेरे लिए कुछ कुछ सलाद बना रही है कि मैं खाऊंगा। बहुत ही फ्रेंडली एंड अच्छे लोग हैं यहाँ पे ना, इनके बिना से मतलब जर्नी कैसे ही हो पाती समझ नहीं आ रहा था। सुबह सुबह उठते ही ये बोले कि खाना पीना खाए रात, क्योंकि रात के साथ इनके साथ में कार्ड खेल रहा था, कार्ड गेम आपने देखी होगी वीडियोस में। एंड उन्होंने कहा कि कुछ खाया है, कुछ चाय पियागा? मैंने कहा ठीक है पिला दो आप। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं भूखे ही जाता भाई ना दिन भर आज, बट कोई नहीं। तो भाई बाहर कुछ कुछ मुझे स्नो भी दिखने लगा भाई, कुछ कुछ थोड़े थोड़े स्नो है, उतने खास स्नो नहीं है। और यहाँ पे भाई मैंने चाय पिया और सारे सलाद वगैरह खा लिया। स्पेशली बात बलसोई पिया काकती बेजाबुद लिज्जत, लिज्जत नाम है भाई इनका, लिज्जत। ये 41-42 साल के आसपास की। तो इन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है तो उसे शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है लेकिन आपको बनना पड़ेगा मुसलमान। मैंने कहा नहीं 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 तब ठीक नहीं है, तब ठीक नहीं है। सब लोग हंस रहे हैं पता नहीं किस बात पे। ये भाई साहब इस रात को इसके साथ खेले थे काफी, और ये सारा कुछ हिसाब किताब है यहाँ पर, ये पांचों भाई साहब है। तो भाई जरा मैं आपको अपना बेड दिखा देता हूँ। ये था भाई मेरा बेड ओढ़ने के लिए, और एक बिछाने के लिए दिया था उन्होंने मुझे, और एक टॉवल भी दिया था। और ये कुछ ऐसा था भाई, यहाँ पे लगा इंडिया से कंपेयर करें ना उसको भाई, तो सेकंड एसी बोल सकता हूँ। और उन्होंने एक गद्दा भी देते हैं भाई, एक तो ये रह जाता है कि ये भी थोड़ा काफी गद्दा है, उसके ऊपर एक स्पेशल सा गद्दा देते हैं, तो रात को काफी शानदार नींद आ गई भाई। सामान रखने के लिए यहाँ पर जगह है और नीचे भी जगह है, मैंने नीचे रख रखा है सामान भाई। यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि यहाँ पर आप बैठ सकते हो, तो बैठने के लिए आपको नीचे ही बैठना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो, बस सजा के सो सकते हो, बट नीचे भी आप बैठ जाते हो, यहाँ पे इंडिया की तरह ही है, नीचे बैठ जाते हो। लेकिन भाई कजाकिस्तान के अंदर ना सीट में प्राइस का डिफरेंस रहता है कि ये वाली जो सीट है बहुत सस्ती होती है कंपेयर टू इस वाली सीट की। अगर इस सीट का भाई 1000 रुपए ले रहे हैं तो सीट का लेंगे भाई 700 रुपए, 300 रुपए का डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के बीच में। इसमें और इसमें भी सेम प्राइस है कि नीचे वाली सीट एक्चुअली ज्यादा एक्सपेंसिव होती है कजाकिस्तान और रशिया के अंदर। सबसे जो लास्ट वाला है ना वो बहुत सस्ता है, क्योंकि वो जो लास्ट वाला जो सीट है वो बाथरूम के जो पास होता है वो बहुत सस्ता होता है, क्योंकि बाथरूम की वहाँ पे महक आती है तो वो और सस्ता होता है। तो मैंने भाई ये वाला सीट लिया था, तो सस्ता वाला सीट था मेरा, और मुझे भाई पड़ा था ये 900 रुपए के आसपास भाई 1200 किलोमीटर के लिए। तो मेरे हिसाब से बैड डील नहीं है भाई, सस्ती है। मुझे लगता है कि कजाकिस्तान के अंदर ट्रेन काफी सस्ती है, कंपेयर टू इंडिया भी काफी सस्ती है, क्योंकि 900 रुपए भाई हमारी इंडिया में गरीब रथ लेती है, क्योंकि इसको तो सेकंड से तो कम मानोगे गरीब रथ भाई 3 इस तरफ रहता है,
तीन इस तरफ रहता है, बट इधर भी दो है, इधर भी दो है, काइंड ऑफ गरीब रथ की तरह ही है, लेकिन साफ सुथरा, स्पेसियस एंड ज्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे। और भाई यहाँ पे सारी ट्रेन एसी ही होती है, क्योंकि इस ठंडी में जो बाहर का तापमान -30 -40 तक चले जाता है, वहाँ पे भाई खुली खिड़की में अगर आप सफर करोगे तो मर ही जाओगे, तो यहाँ पे सारी ट्रेन एसी ही आती है। तो भाई इनसे बात हो रही थी अभी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कजाकिस्तान के अंदर आप शादी करते हो, लड़की की फैमिली भाई पैसे देती है कुछ कुछ, तो मैंने कहा कि इंडिया में हालांकि ये इलीगल है, बट यहाँ पे इंडिया में ये होता है कि डाउरी होता है, तो लड़की की फैमिली देती है लड़के की फैमिली को पैसे। इतिबिया सिस्टर, इतिबिया दाउतर, मेरी मिनिया ना मिनिया देंगे गधे। मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी जब उससे शादी करेगी तो मेरा पैसा दो का है, कहते मिनिया पैसा। नो यू इन कजाकिस्तान दा। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि कजाकिस्तान में हो तो तुमको देने पड़ेंगे पैसे। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडिया इंडिया के हिसाब से पैसे लूंगा। तो भाई साहब ये लोगों ने अभी सारे मेरे पैसे निकलवाए कि कौन कौन से तुम देश गए हो, तो सारे पैसे तो अफगानिस्तान का है, थाईलैंड का है, मेक्सिको का है, ये आई थिंक युगांडा है, ईरान है, ये इजिप्ट है, ये यूएई, इंडियन, रोमेनिया, जॉर्डन, रवांडा, बुरुंडी, सोम, यूके एंड दिरम अगेन, ये सारे हैं भाई, सारे सब सब फोटो ले रहे हैं भाई साहब यहाँ पे। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान नहीं है तो कजाकिस्तान दाम ही नहीं है। हाँ बोल रहा है कजाकिस्तान पैसे रखो। तो भाई ये इस तरह रहता है और ये बैंक के टेबल बन जाता है। तो भाई दो इत कक, तो भाई साहब ये टेबल बन जाता है, देखो इसको उठाने के बाद ऐसे करके, इसको ऐसे उठाने के बाद भाई साहब ऐसे फंस जाता है, ये बन जाता है टेबल, तो एकदम शानदार हो जाता है। यहाँ पे भाई दो कप का भी ऑप्शन दे रखा है इन लोगों ने, तो काफी शानदार हो जाता है इससे। यार ये ट्रेन जर्नी ना काफी शानदार है सच कहूँ तो, क्योंकि हर कोई पूछ रहा है चाय पीना है, कुछ खाना पीना खाना है। अभी भाई ट्रेन रुकी थी, बट ट्रेन एक्चुअली लेट यहाँ पहुंची है 15 मिनट, यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप था, तो 5 मिनट ही रुकी ट्रेन, क्योंकि 15 मिनट लेट आई थी, तो ट्रेन अब टाइम पे हो गई ऑलरेडी। और भाई ये कुछ ऐसा बाहर का नजारा है भाई, कितना शानदार दिख रहा, भाई साहब हमारी जर्नी जारी है, 3 घंटे पहुंच जाऊंगा मैं अस्ताना, लेकिन ये लोग जा रहे हैं समी, आई थिंक प्रिया खाले सिमीदा, सिमी सिमीदा जापतरा ते पेदियोस ता तदा जापतरा। तो भाई ये एक्चुअली 3 दिनों से लगातार ट्रैवल कर रही है इस ट्रेन में, 3 दिन निया तो दुसदा तो दा ट्रेन पोइज लाइक काक पोइज दुस दुस और निया दुस तो दा दुस निया दुस दा दुस न तो ने तो दा पोइज ने तो रूसी ट्रेन तो दा दुस। मैंने कह रहा हूँ कि रशियन ट्रेन भाई वहाँ पे नहाने का विभाग होता है, क्योंकि वो तो चलती है 7-8 दिनों तक, भाई अगर 7-8 दिनों तक तो कोई ट्रेन चल रही है तो नहाने का तो जुगाड़ होना चाहिए यार, क्योंकि 8 दिन तक फिर रूम मतलब कुछ कुछ ज्यादा ही महकने लगेगा, ठीक है। मतलब अभी कुछ खास नहीं महक रहा, थोड़ा मोड़ा महक रहा है, क्योंकि भाई लोग 2 दिन हो गए हैं लोग ट्रेन पे यार नहाए वगैरह नहीं है, और भाई अंदर गर्मी भी है तो पसीने भी चलने लगते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है। पहले एनीवे चाय वगैरह पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, मेरी जर्नी खत्म होने वाली है। वेल तो भाई अस्ताना आने ही वाला है, जरा आपको सोचा कि मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ। रेस्टोरेंट भाई अभी नहीं यहाँ पर काम कर रहा है, थोड़ा कुछ खराबी तकनीकी खराबी है, तो ये भाई अलग अलग यहाँ पे लाइक वागन कहते हैं इसको, वागन्स होते हैं कुछ अलग है यहाँ पे भाई। एक टॉयलेट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कुछ इस हिसाब किताब है भाई, 6 सीट होती है जनरली, 2 सीट इस तरफ, 2 सीट उस तरफ एंड 2 सीट इस तरफ, टोटल 6 सीट्स होती है, और ये आई थिंक सबसे जो लास्ट क्लास है वही होता है। इसके भाई ऊपर होता है कहते हैं कोपे, एंड इसके ऊपर भी एक कुछ होता है, ये सब बच्चियाँ कार्ड खेल रही है। हाउ आर यू डूइंग, गुड, एंड व्हाट इज योर नेम? अर्दुलत। अर्दुलत, एंड योर्स? पता नहीं कुछ कुछ तो बोल रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये बच्चियाँ यहाँ पे कार्ड वगैरह खेल रही है भाई, सकिन से बातें करता हूँ क्या है नहीं है। गवारी दवाई दुआ दुआ झीमी 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 झीमी। तो भाई इस बच्चे से मैं बातें कर रहा था, इसने मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ वगैरह वगैरह।
दबाई गवारी समथिंग इन कजाक समथिंग गवारी कजाक कजाक नेशनल एंथम दबाई कुछ तो बताओ यार कजाक में मीनिंग आतम जिनार मैं कजाकिस्तान दा तुगुदम ई कजाकिस्तान दा ट्रम अस्ताना दीन कालादा वाओ दबाई ते गवारी परत मैं कजाकिस्तानन शीलि जित्रम कजाकिस्तान बच्चा शर्मा गया दबाई ते गवारी समथिंग मैं कजाकिस्तान तुगुदम काजर कजाकिस्तान दा ट्रम ट्रमन मैं आतम नुरदौलत नूर दौलत ते खोचिस गवारी समथिंग गवारी ये मेरे को बोली भाई कि ये तुम्हारे पास अलग कुर्ता है क्या मैंने कहा क्यों तो वहाँ बहुत ठंडा होगा इतना ही नॉर्मल ना था तुझा बोल रही है बहुत ठंडी है वहाँ पे इसमें तुमको ठंडी मार देगी इसलिए दूसरे कपड़े पहन लो तो भाई साहब ये अपना कुर्ता दिखा रही है मुझे इतना खरा सो कुर्ते का दा स्कूल का दिग्री गिरा दिया तुदा मैनस दे मैनस इतना से तुदा दा दा नहीं तंगी स्कूल का डिग्री ग्रेजुएट नो स्कूल का डिग्री दा कितना नॉर्मल ना मैंने देसी दा इतना नहीं नॉर्मल ना दा ये बोल रही ये पहन के जाना मत ठंडी मार देगी मेरे को खरश है तो अच्छा है भाई क्वालिटी का चलो या गोइंग स्पासिबा दसबिदानिया तिबिया सिसलीबा दरोगा तिबिया उदाची बाय चलो भाई सब बच्चे से बात कर लिया हम सन से निकलते हैं भाई जाने से पहले एक बार आपको और दिखा देता हूँ कि दिखता कैसा है ये था भाई मेरा बेड काफ़ी कंफर्टेबल था बात करूँ तो वहाँ पे भाई एक लाइट भी दे रखा था उन लोगों ने एक चार्जिंग पोर्ट भी दे रखा था जरा आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके ये भाई चार्जिंग पोर्ट बट टाइप सी नहीं था एक्चुअली भाई टाइप ए था तो थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि मुझे बस जनरली सब कुछ टाइप सी हो रखा है भाई अपना और ये भाई साइड का है एक अच्छी बात है भाई कजाकिस्तान की ट्रेन में कि आप कहीं भी रहो ना खिड़की आपके पास अवेलेबल है यहाँ भाई ये भी भाई खिड़की का पार्ट है थोड़ा सा वहाँ से भी खिड़की देख सकते हो तो भाई खिड़की हर तरफ अवेलेबल है और खिड़की बहुत बड़ा है यहाँ पे और चिड़ी को चाहो तो आप खोल सकते हो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो बट पता नहीं कैसे खोलते हैं टीटी को बुलाना पड़ता है खोलने के लिए इन लोगों के साथ मैं खेल रहा था ककदेला यार फाइन इन लोग का भाई काफ़ी दूर जाना है यहाँ से अभी भी यहीं रहेंगे हम मैं तो जा रहा हूँ और भाई यहाँ पे एक मशीन है जहाँ से पानी वगैरह गर्म होती है और पानी वगैरह पी सकते हो भाई जो अभी जो तापमान है पानी का वो 90 डिग्री सेल्सियस है तो ये भाई पूरा एकदम हिसाब किताब है ये टीटी भाई साहब का रूम है यहाँ पे टिकट वगैरह चेक करते हैं और ये यहाँ पे माइक्रोवेवन है फ्रिज है तो चाहो तो आप खाना फ्रिज में रख सकते हो रहा फ्रिज और ये रहा भाई माइक्रोवेवन तो खाना वगैरह गर्म कर सकते हो ये भाई था 12 नंबर वागन भाई इस तरह है 1 2 3 4 5 6 सीट है एक तरफ और ये भाई साहब भी सबका सामान तमान निकाल रहे हैं साफ वगैरह करने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है सच कहूँ तो भाई टॉयलेट काफी गंदा था मतलब टॉयलेट यहाँ पे साफ पता नहीं भाई साहब कर नहीं रहे हैं तो टॉयलेट काफी गंदा पड़ा हुआ था मुसर मतलब ये कचरा है कचरा को फेंकेंगे एक अच्छी बात है भाई यहाँ पे ये रखा है कचरा लगाने के लिए वहाँ भाई टेक्निकली एक स्पेशली कचरा लगाने के लिए यहाँ पे लगा रखा है इन लोगों ने मैं दिल्ली ना मैं जब बोल रहा दादी दादी मेरा मजाक रहती हूँ बोली तुम कर रहे हो ना क्या लिया नहीं अभी नहीं कर रही कैमरा के सामने दवाई के बारे ये बोल रही है कि मुझे ऐसे बोलो ये एक ट्रेन है यहाँ पर मैं सोया हुआ हूँ इस तरह ट्रेन चलती है ऐसे बोलेंगे तो भाई वीडियो 50 मिनट की हो जाएगी हेलो कक्ति बजाबुत स्केयर्ड बच्ची एकदम डर गई एकदम या भाई एकदम रोने रोने पे आ गए मैंने कहा तुम जाओ तो ये आनंदी देखती है मूवी आनंदी खराशो क्रसी बा आनंदी दा वो बोल रही कि भाई आनंदी मूवी देख रहे थे वही बता रही थी कि जब वहाँ पे जब कैमरा फोकस करता है पंडिता ना वो कल बता रही थी कि एक ऐसे हर बंदे के ऊपर तो वो सब बता रहे हैं यहाँ पे लोग काफी फेमस है भाई इंडियन सिनेमा एंड मूवीज यहाँ पे चीजें यार भाई आपको मैं टॉयलेट भी दिखाई देता हूँ ये भाई छोटा सा वॉश बेसिन है पता नहीं वहाँ पे क्यों जग्गा रख रखा है लोगों ने कजाकिस्तान है भाई कजाकिस्तान में भी लोग टॉयलेट पेपर यूज करना पसंद नहीं करते तो जग्गा से धोने के लिए ना तो एक अच्छी बात है यहाँ पे जग्गा यहाँ मग्गा मिल गया आपको यहाँ पे चार्जिंग का भी ऑप्शन है ये राइट टॉयलेट अभी मतलब काफी सच में गंदा है ये उतना साफ नहीं है ये खुल के बच्चों के लिए हो जाता है और भाई ये सब भी खत्म है नई टॉयलेट पेपर है भाई इस पे बिछाने के लिए है जो उस पे नहीं बिछाने के लिए वो भी नहीं है
यहाँ पे हैंगर वगैरह है तो कुछ खास नहीं है। एक बोगी में भाई दो हैं, इंडिया में हमेशा चार होते हैं, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, दो हैं। तो भाई हम लोग कार्ड गेम भी खेल रहे थे, तो मेरे पास भाई कुछ कामसूत्रा कार्ड थे, मतलब कि उसमें कामसूत्रा के पोजीशन दिए गए थे। सब हंस रहे हैं, उसमें कामसूत्रा के बहुत सारे पोजीशन भी थे। बाकी लिस्ट में हंसने वाली कोई बात नहीं, इंडिया से है भाई तो इस पर हमें गर्व होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि तुम मुझे वो सारे कार्ड दे दो, मैंने कहा ले लो फिर आप। तो ये आंटी ने सारे कार्ड मेरे से ले लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड है, जरा आपको दिखा भी देता हूँ किस कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। इस लाइक प्लेइंग कार्ड था भाई, मैं जब ऋषिकेश गया तो मैंने वहाँ से उठाए थे इस तरह के प्लेइंग कार्ड्स। कामसूत्र का ये कार्ड है, तो इनको मैं दे रहा हूँ वापस से। अच्छा तिबिया खराशो वेलकम। इन्होंने वहाँ मांगा, यार मांगा लिया तो मैं कैसे मना कर दूँ। इन्होंने खाना पीना खिलाया, चाय पिलाया, कार्ड एक्चुअली काफ़ी यूनिक कार्ड था भाई, क्योंकि ये इंडिया की पहचान वाला कार्ड था। तो मैं इंडिया से मंगवा लूँगा, या भाई कोई इंडिया से आ रहा है तो प्लीज़ लेके आना। ये दादी मेरा वीडियो बना रही है क्या? सही है भाई, काफी शानदार लोग यहाँ पे। अब आ गया है नूर सुल्तान, चलने के लिए तैयार हैं हम लोग। तो भाई जाने के लिए तैयार हैं ट्रेन से। सिसली बात दरोगा उदाची, सिसली बात दरोगा पक्का 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 पक्का। बाय 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 बाय। चलो भाई तभी पका दिया तो जो खराशो। दादी बोल रही है बाहर लेके जाओ मेरा बैग पक्का। दादी का उठा लेता हूँ सामान मैं जाने से पहले, भीड़ है भाई और गर्मी हो गई अंदर ना। तो भाई सबको मैंने बाय वगैरह करके मैं निकल चुका हूँ। ये थी भाई ट्रेन, यार आपको दिखाता हूँ दिखता कैसा है। ये लिखा हुआ है भाई मग्नीतिशय समथिंग भाई, ये है ट्रेन का नाम। और भाई ट्रेन एक्चुअली फास्ट थी इस वाले पोर्शन में यार, जनरली कजाकिस्तान के अंदर ट्रेन इतनी फास्ट होती नहीं है, लेकिन भाई तकरीबन मान के चलो 1500 किलोमीटर कवर करने के लिए ट्रेन लिए 19 घंटे, तो भाई अराउंड 78-79 के आसपास होगा मेरे हिसाब से पर आवर, अगर एवरेज निकाले तो। आई थिंक इतनी एवरेज तो राजधानी की होती है, तो अच्छी फास्ट चली है ट्रेन। इस बात को मैं उसको 10 पे 10 दूंगा। ट्रेन एक्चुअली सही था भाई, मुझे मतलब सबको सही लगा, लोग भी अच्छे थे, कंफर्टेबल भी था। ये भाई ट्रेन का हिसाब किताब कुछ ऐसा। बाय 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 कक्सो सिसली बात आरो कहते भैया बाय। ये बच्ची बहुत प्यारी थी यार, काफी मुझसे बातें वगैरह कर रही थी, काफी सारे सवाल वगैरह पूछ रही थी, बहुत मतलब पर्सनल सवाल भी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, शादी कब करोगे वगैरह 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 सब कुछ उसको बताया, कितने पैसे कमाते हो यूट्यूब से। भाई 10 साल की बच्ची थी और ये सब पूछ रही थी कितने पैसे कमाते हो, और मम्मी को समझा रही थी कि कैसे यूट्यूब पे भी पैसे कमाया जाता है वगैरह वगैरह। तो काफ़ी स्मार्ट बच्चे होते जा रहे हैं भाई 10 साल की उम्र में, क्या यूट्यूब क्या था मुझे खुद नहीं पता था। आ गया मैं साइबेरिया में, वेलकम टू साइबेरिया। इस आंटी को बाय बोली देता हूँ, जैसे ये आंटी भी यहाँ पर है। काक दिला दसवीं बाय बाय। तो भाई ऐसा फील हो रहा है कि मैंने पूरे ना बोगी के बंदों से फ्रेंड बना लिया है, सबको मैं जानता हूँ, सबको मैं बाय बाय करके जा रहा हूँ। तो भाई मैं आ चुका था ट्रेन स्टेशन से अपने हॉस्टल, तकरीबन 6 किलोमीटर का रास्ता था और जो टाइम लगा अराउंड 30 मिनट लग गया टैक्सी में गया था मैं, उसमें दिए भाई टैक्सी में अराउंड 1200 टैंगे लगे थे जो कि होता है 200 रुपये के आसपास। और उसके बाद मैं हॉस्टल आया तो फिर मैं दो भाई से मिला। ये है राम भाई। हेलो, कहाँ से हैं आप भाई? मैं ग्वालियर से हूँ और अभी मैं हूँ कजाकिस्तान में। हाय, मैं हूँ आद्यन तेंगलकर और मैं हूँ भोपाल से। भोपाल से हम लोग अभी आए इंटरनेशनल खाना खाने के लिए, हालांकि खाना बनाने का प्लान था, मैंने कहा कल बनाते हैं खाना, आज कुछ इंडियन खाना खाते हैं। और मैं एक महीने के बाद भाई इंडियन खाना खा रहा हूँ, कि लास्ट टाइम जो खाया था वो दुबई में खाया था, ट्रिप के पहले ही खाया था। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन पनीर और चावल, क्योंकि ये वेजिटेरियन है भाई सब और हम दोनों खा लेते हैं। मैंने एक अभी ऑर्डर किया था समोसा चाट का, क्योंकि भाई आपने देखा होगा मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि ट्रेन में था दिन भर में, मैं आते साथ ही मुझे बड़ी जोर से भूख लगी थी, और मतलब मैं चला तो ट्रेन कुछ खा लेता बट मुझे लगा आप तो इंडियन ही खाना है, अगर पूरा दिन भूखा रहेगा तो घंटे और भूखा रहेगा, मैं डायरेक्टली इंडियन खाऊंगा। वही हिसाब किताब है, अभी खाता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। गुड इवनिंग गाइस, तो कल रात को इंडियन रेस्टोरेंट से खाना पीना खाने के बाद हम लोग अपने हॉस्टल आ गए थे। आज था भाई पूरा दिन क्रिकेट मैच, तो हम लोगों ने पूरा क्रिकेट मैच देखा, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। मैच खत्म होने के बाद हम लोग कुछ खाना पीना बना रहे हैं, तो सब लोग मिले हुए हैं आज हमारे साथ, एक नए चेहरे और जुड़ गए। आपका क्या नाम बताया आपने? ऑल्ड्रिन। And you are from Bangalore, right? Yeah. Yeah, Bangalore. Yeah. So I think your first language is Kannada, right? My first language is Tamil. Tamil? Mother tongue is Tamil. Ah, your mother tongue is Tamil. Ah, why? Because you're born in Tamil Nadu? No. I am born and brought up in Karnataka. Karnataka, okay. But my father, mother, everybody is... Speak... Tamil. Okay. My mother tongue is Tamil. तो इन्होंने जल्दी टिकट ले लिए और अभी ये ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग यू आर ट्रैवलिंग हियर? दिस इज माय फर्स्ट ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एंड फॉर हाउ मेनी कंट्रीज, लाइक कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान? एंड फॉर हाउ मेनी डेज? आई विल बी गोइंग बैक टू इंडिया ऑन 12th। दो हफ्ते के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। हाउ इज एक्सपीरियंस राइट नाउ ट्रैवलिंग सोलो? Solo. At this age, you know, in India, nobody thinks about that, traveling solo. And then like traveling solo, this, like in India, you know, especially जब इंडिया में होते हो तो generally आप at this age की आप लोग जाते हो like hostel में कभी रहते ही नहीं हो, आप hostel में पहली बार मुझे मिले। When I was young, yeah,
I was only more dependent on working, making money. So, but I had ambition to travel since young age. Young age, yeah. But because due to time, limited time, no? Sirf hum South India mein ghum raha tha. Yeah, and then you got responsibility, marriage and... All that. Now I took early retirement. So to now, see the world. Now I am trying to explore. तो भाई ये प्रूव कर रहे हैं कि कोई भी एज छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी भी एज में आप ट्रैवल कर सकते हो. हमारे साथ ये हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट है. आप बताओ, आप कितना टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे को ऑलमोस्ट ढाई महीने से ऊपर हो चुका है. हाँ. और यहाँ से अब मैं किर्गिस्तान जाऊंगा, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे पाकिस्तान का वीजा मिल गया तो मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान जाऊंगा, नहीं तो उज़्बेकिस्तान से वापस इंडिया. और इनका भाई यूट्यूब चैनल भी, आपका यूट्यूब चैनल नाम बता दो, मैं एक्चुअली डिस्क्रिप्शन ले दूंगा यूट्यूब चैनल. इनका भी YouTube चैनल है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. लेकिन do you also have YouTube or no? No, no. You don't, just travel for I yourself. Only tourist for myself. That's super nice, you know. but I got encouraged by seeing all of your channels. Thank you. Yeah. Because without that, no, I didn't have any idea of international. I'm telling you, this is my first travel. Only by seeing all of your channels, no, I was able to make up my mind. I can do. You can do a travel. Yes. Nice. तो भाई हमारा खाना पीना बन रहा है. ये भाई दाल काफ़ी ज़्यादा बन गया. राधान भाई ने बनाया है चावल. चावल हो गया भाई? क्या हुआ? होने वाला है. निकालना पड़ा क्या कुछ? नहीं. ये हो गया क्या? ये अभी नहीं हुआ है. होने वाला है. एंड साथ में आ चुकी है अलवा. कक देला अलवा थे खरा शुदा सनर्मा लती बेदा. चलो भाई, इस पर मसाला वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ था. अंकल भी तैयार है खाना पीना खाने के लिए. बहुत दिनों के बाद खा रहे हो दाल चावल आप? हिंदी थोड़ी मोड़ी आप आती है? हिंदी का कम सीखी आपने? एक्चुअली मेरा काम में हिंदी लोग का साथ मिल रहा था. अच्छा. बट थोड़ा मुश्किल है. इसके लिए साउथ में पूरा वो सदन का लैंग्वेज तमिल तेलुगु. But do you watch Tamil Tracker? Tamil Tracker. Yes. You watch it? Yes. तो भाई हाँ, इनकी फर्स्ट लैंग्वेज तमिल है, इसलिए मैंने तमिल ट्रैकर, क्योंकि भवानी भाई से तो मैं मिला था जब मैं अफ्रीका में था. और यहाँ पे खाना पीना बनाया जा रहा है. अलवा को मैंने बुला लिया खाना पीना खाने के लिए, इंडियन खाना. तो नॉर्मल लगते व्यवस्था रहे अलवा दा खराशो दा भाई. तो भाई हम लोग का ये खाना तैयार है. सब हम लोग हाथ से खा रहे हैं. बेसिकली हम लोग बेसिकली पूरी इंडिया ने तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसके लिए एक्चुअली ये हाथ से खाना चाहती थी. बट उसने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्म है. मैं लगा हम लोगों की आई थिंक हाथ कैसे से चला गया ना. अच्छा, आप भी खा रहे हो इस वजह से? अच्छा, आई थिंक हमारी हाथ कैसे से चली गई है. मतलब इतने गर्म में भी ना फील नहीं होता मुझे. तो आई थिंक इन लोगों की आदत नहीं है तो इसलिए नहीं खा पा रहे हैं वो. चलो कोई नहीं. और इनमें से दो कजाक हैं हमारे साथ यहाँ पे. दो कजाक हैं. एक कजाक यहाँ हो गए. सेकंड कजाक वी हैव दुआ कजाक अदनाते अदनान पतमस्ता लोशका.